हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में रोडवेज का बढ़ेगा बेड़ा, 1272 नई बसें होंगी शामिल, इंटरस्टेट रूट पर चलेंगी 150 एयर कंडीशनर बसें। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1275 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। इसमें से 150 ऐसी बसें होंगी और 125 मिनी बसें, जबकि 1000 बसें ऑर्डिनरी होगी। इन बसों की खरीद पर सोमवार को रोडवेज की हाई पावर परचेज कमेटी ने मोहर लगाएगी। हरियाणा में बीजेपी को उपचुनाव का चैलेंज, बड़ौदा में रेसलर योगेश्वर, इलाहाबाद में कांडाहारी कुलदीप बिश्नोई के बेटे के आगे तीन भव्य चुनौतियां। हरियाणा में सत्ता में बैठी बीजेपी के आगे उपचुनाव का तीसरा चैलेंज आ गया है। यह चुनौती आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की है। दूसरी बार बनी सरकार के 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है। तीसरे उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी की साख ही दांव पर नहीं बल्कि उम्मीदवार बनाए भव्य बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। यरसो में राज्यपाल को राष्ट्रपति से 2 सीट दूर बैठाने पर हरियाणा को एतराज, केंद्र से की शिकायत। चंडीगढ़ में आयोजित एयरसो में हरियाणा के राज्यपाल को राष्ट्रपति से 2 सीट दूर बैठाने को लेकर हरियाणा ने आपत्ति जताई है। हरियाणा ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को शिकायत की है। राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार यदि वहां उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हो तो राज्यपाल को उनके पास वाली सीट पर बैठना चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ऐसे में उनका राष्ट्रपति के बगल में बैठने का प्रोटोकॉल था। एयरशो के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि और हरियाणा गवर्नर को राष्ट्रपति के पास वाली सीट के बजाय एयर चीफ मार्शल उनकी पत्नी के बाद बैठाया गया। हरियाणा में आप बीजेपी की स्कूल पॉलिटिक्स, आप नेता बोले कुलदीप बिश्नोई के घोट ने टकमाए, समर्थकों का दावा सीएम से मुलाकात के बाद खोले। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा में आने वाला ढाड़ी मोहब्बतपुर का गवर्नमेंट हाई स्कूल अब बंद नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने 3 अक्टूबर को स्कूल को मर्ज ना करने का आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल बंद होने के विरोध में ग्रामीण पिछले कई दिनों से धरना लगाकर बैठे थे, परंतु नया आदेश आते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा ने उसका चुनावी क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में अज्ञात वाहन की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत, 2 गंभीर, 1 का हाथ कटा। हरियाणा के सोनीपत के गांव रोहट के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक राजमिस्त्री की मौत हो गई और 2 साथी घायल हो गए। घायलों में 1 का हाथ कट गया। इन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर हालत के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 321 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी को भगौड़ा करार देने का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी गारंटी के सहारे इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों से मिली भगत करके 321 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने की आरोपी महिला को भगौड़ा करार देने के चंडीगढ़ जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना जमानती व गैर जमानती वारंट जारी किए भगौड़ा करार देने का आदेश देना गलत है। कोर्ट ने महिला को 21 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। बरसात से बढ़ी परेशानी, कुरुक्षेत्र में 30 लाख क्विंटल धान भीगा, झज्जर में छत गिरने से भैंस की भी मौत। कुरुक्षेत्र प्रशासन की लेटदेही और लापरवाही के चलते जिला भर अनाज मंडी मुख्यालय में पड़ा 30 लाख क्विंटल धान बारिश में भीग गया। जिले में शनिवार से ही बारिश का मौसम था। शाम के समय हल्की बूंदाबांदी भी, कुछ देर बाद यह रुक गई। तो प्रदेश में एक बार फिर से किसानों को बड़ी है परेशानी। प्रदेश भर में 11 अक्टूबर तक बारिश के आसार, येलो ऑरेंज अलर्ट के बीच 43 mm तक बारिश हुई। तो हरियाणा NCR दिल्ली पर बंगाल खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिन से हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी जिलों के साथ केंद्रीय हिस्से में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। प्रदेश भर में 11 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। मौसम विभाग ने येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो जी हाँ, बता दें कि फिर से जल से बाहर आएगा डेरा मुखी, तैयारियों में जुटा प्रबंधन, मिल रहा है चुनाव का कनेक्शन। तो साध्वी यौन शोषण, पत्रकार छत्रपति और अरिजीत सिंह के हत्याकांड मामले में
सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर फिर जल्द से बाहर आ सकता है। इस संबंध में पैरोल को लेकर प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंजूरी मिलते ही कभी भी जेल से छुट्टी मिल सकती है। इस बार डेरा मुखी सिरसा मुख्यालय राजस्थान के किसी डेरा में रुक सकता है। इसकी तैयारियां डेरा प्रबंधन ने शुरू कर दी हैं। तो जी हाँ, बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट है। तो प्रदेश भर में हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर के एक नया अपडेट आया है। तो हरियाणा में जो 12 ज़िलों के साथ फतेहाबाद ज़िले का जो चुनाव होना था उसकी जो डेट है अगले पखवाड़े में घोषित कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस वीडियो में दी जानकारी, धन्यवाद।